फ्रेंड्स, आपने चैनल पे देखा होगा, वहां पे एक नई प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जिसका नाम है डेली मार्केट एनालिसिस। तो यार, उसका मतलब क्या है और हम उसे क्यों यूज करें, और इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। क्या क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जो बहुत सारे लोग हैं उनकी कॉमन क्वेरीज हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस प्लेलिस्ट का क्या यूज है आप लोगों के लिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं चैनल के इंट्रो के साथ, बट उससे पहले बता देता हूं, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। आप ट्रेडिंग करो चाहे मत करो, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी चीजों की आपके पास होनी जरूरी है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। सो बेसिकली डेली मार्केट एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है आज के दिन की बेस्ट करेंसी पेयर कौन सी रहने वाली है। आज के दिन मतलब 24 आवर्स के लिए सबसे बेस्ट करेंसी पेयर कौन सी रहेगी। बेस्ट करेंसी पेयर किस बेसिस पे डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है इकोनॉमिकल कैलेंडर में करेंसीज पे क्या न्यूज है अभी फिलहाल। करेंसीज से आप करेंसी पेयर बनाते हैं जिसपे आप ट्रेड लेते हैं, तो अलग अलग करेंसीज पे हाईली इंपैक्टेड वाली न्यूज कितनी है, लो इंपैक्ट वाली न्यूज कितनी है, और किस बेसिस पे आज के दिन सबसे अच्छी परफॉर्म करेगी। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि इंपैक्ट कितना रहेगा, यानी कि न्यूज का अगर इंपैक्ट ज्यादा रहेगा तो वोलेटाइल ज्यादा रहेगा मार्केट, और वोलेटाइल ज्यादा रहेगा तो आपकी कोई स्ट्रेटजी वहां पे काम नहीं करेगी। पहली बात तो ये, दूसरी बात, वोलेटाइल ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। एक मिनट के चार्ट पे, एक मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। ज्यादा फ्लक्चुएशंस मतलब आपके चांसेस कम प्रॉफिट के। तो यही रीजन है ये जो डेली अपडेट्स वाली सीरीज है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। यहां पे बेस्ट करेंसी पेयर तो अलग हो गया, यहां पे आपको मिलेगा बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ द डे कौन सी रहने वाली है। बेस्ट स्ट्रेटजी का मतलब कि आज के दिन सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी परफॉर्म कर रही है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है उस करेंसी पेयर पे जहां पे हमने डिसाइड किया है कि आज के दिन हम यूज करेंगे। उस पर काफी ज्यादा ट्रेड्स ली जाती है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स की, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ, और जो स्ट्रेटजी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, जो आपके लिए है कि आज आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। आपको पता है मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, और सारी स्ट्रेटजीज को यूज कर करके देखना और यूज करके आपको पता लगाना कि भैया ये स्ट्रेटजी आज हम यूज कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्म करेंगी। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है यार, इतनी स्ट्रेटजीज क्यों अपलोड करते हैं लोग। मैं खुद भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपलोड करता हूँ और आप लोगों को बता भी चुका हूं, स्ट्रेटजीज परमानेंट नहीं होती हैं। कोई स्ट्रेटजी आज काम करेगी, कोई कल करेगी। आप ये नहीं बता सकते कि मैं एक स्ट्रेटजीज रट के रख लेता हूं और वो स्ट्रेटजीज परमानेंटली मेरे हेल्प करने वाली है, नहीं। तो यहां पे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको मिलती है, बेस्ट टाइमिंग्स मिलती है। बेस्ट टाइमिंग्स कैसे डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है बेस्ड ऑन ओवरऑल सेशंस जो वर्ल्ड में रन होते हैं और जिसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, जिसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। हमें पता लगता है कि आज के दिन का जो ये सेशन है ये जब ओवरलैप करेगा हमारे दूसरे सेशन के साथ तो बेस्ट टाइमिंग हमारी उस टाइम पे रहने वाली है। मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ट्राई करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको मिले ट्रेडिंग के लिए, जहां पे कुछ टाइम होता है जहां पे रिस्क ज्यादा रहती है, बट इन्वॉल्व मैं वो भी करता हूं, मैं वो भी इंक्लूड करता हूं। और ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं वीडियो के अंदर, ये वीडियो के अंदर नहीं, एग्जैक्टली मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। तो आपने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आते हैं कॉमन क्वेश्चंस। मैंने आपको जो क्वेरीज थी भैया डेली अपडेट्स हमारे लिए किस काम के हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आप नॉन ट्रेडर हैं तो भी आपको इन्फॉर्मेशन रखनी जरूरी है मार्केट की, कि मार्केट यानी कि जो करेंसी मार्केट है जहां पे आप ट्रेड लेते हैं, तो आप आज के दिन ट्रेड लेंगे या नहीं भी लेना चाहते हैं, तो ओवरऑल मंथ में वो करेंसी पेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो स्ट्रेटजी कैसी परफॉर्म कर रही है, ज्यादातर टाइम कौन सी स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म करती है, कौन सा टाइम ज्यादातर यानी कि ओवरऑल एक महीने के पीरियड पर मैं कैलकुलेट करूँ तो सबसे अच्छा रहने वाला है या सबसे अच्छा रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते हैं, इन फ्यूचर अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप नहीं भी ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो भी न्यूज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना अच्छी बात है यार, मुझे नहीं लगता कहीं से भी इसमें कोई खामी है, गलत बात है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं कि डेली अपडेट्स आप लोगों के लिए कितना काम का है अगर आप नहीं यूज करते, क्योंकि एक वीडियो डेली अपडेट्स का बनाने के लिए रियल अकाउंट से ट्रेड लेता हूं बहुत सारे यूएसडी डॉलर्स खर्च होते हैं, आपको पता ही है, आप देख सकते हैं, आप उसका यूज नहीं कर पाते। इवन बहुत सारे जो लोग हैं जो देखते हैं इसका यूज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो अच्छा लगता है। अगर आप नहीं भी यूज कर पाते तो यार मेरे लिए तो वो चीजें
दो लोगों तक पहुंचानी, 5 लोगों तक, 10,000 तक, वो एक ही चीज है। तो आप उसको यूज करें, पूरा बेनिफिट लें उस चीज का। जब आपके लिए ये चीजें हो रही है तो आप उसका पूरा फायदा उठाएं। फ्रेंड्स, एक सवाल ये भी रहता है आप लोगों की तरफ से कि ये जो पार्ट्स हैं ये कब तक कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो यार, आप लोगों के लिए सिंपल सा जवाब है, ये हमेशा कंटिन्यू रहेंगे यार। जब तक आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब तक पार्ट्स भी कंटिन्यू रहेंगे। एक और सवाल है जो कि आप लोगों में से ही किसी ने पूछा है और काफी इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब दे देता हूं। तो भैया, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि हम जो सेशंस दिखाते हैं, यानी कि जो मैं आपको इकोनॉमिकल कैलेंडर्स में इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ, वो इंफॉर्मेशन जीएमटी के अकॉर्डिंगली होती है या नहीं होती। यानी कि वहां पे हमें 4.30 आवर्स ऐड करने की जरूरत है आपके टाइमिंग्स में और हमारे टाइमिंग्स में। तो आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जो मैं इंफॉर्मेशन दिखाता हूं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दिखाता हूं, आईएसटी के हिसाब से। तो वहां पे आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 4.30 आवर्स ऐड करना है उस टाइमिंग्स में और उसके बाद आपको आगे चलना है, नहीं। ये जो भी टाइमिंग्स रहती हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स रहती हैं। यहाँ पे मैं जो टेलीग्राम पे आपके साथ टाइमिंग्स शेयर करता हूँ वो भी आईएसटी के अकॉर्डिंगली रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के। तो ये एक भ्रम था, मतलब लोगों का एक क्वेश्चन था, तो भैया वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोग गलतियां भी कर रहे थे। वो कर क्या रहे थे कि यहाँ पे ये जो टाइमिंग्स हैं, इन टाइमिंग्स को मर्ज कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि ये मैं जो टाइमिंग्स दिखाता हूँ इसको इंडिया में वो कन्वर्ट कर रहे थे 4.305 आवर्स ऐड करके। तो वो सब मत करो, ठीक है, क्लियर रहो यहाँ पे, क्योंकि टाइमिंग्स इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मैं शो करता हूँ। और यार, आप लोगों की तरफ से एक और सजेशन या मैं कहूँ सवाल भी आया था कि जो टाइमिंग्स है, यानी कि जो अपलोड करने का टाइम है, वो 9 AM है। ऑफकोर्स पहले 11 AM था, बट अभी 9 AM है। डेली मंडे टू फ्राइडे आपको 9 AM वीडियो मिल जाती है, वीडियो में इंफॉर्मेशन होती है सारी। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 9 नहीं, आप 8 कीजिए, आप 7 कीजिए। यार, वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। तो 9 AM मैंने फिक्स किया हुआ है, तो वही फिक्स रखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मुझे कह रहे थे कि यार OTC मार्केट के लिए भी चालू रखिए ये चीज़, तो वो मैं चालू क्यों नहीं रख रहा हूँ। ये सिर्फ 5 दिनों के लिए ही क्यों है, मंडे टू फ्राइडे। OTC के लिए इसलिए नहीं है, OTC के लिए बहुत कम स्ट्रैटेजीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। वोलेटाइल रहता है मार्केट, तो कॉम्पिटिशन ही कम है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेली अपडेट्स में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करता हूँ, बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आता हूँ। बट OTC में तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है, खत्म हो जाती है वहाँ पे सारी चीज़ें। मतलब कोई स्ट्रैटेजीज ऐसी नहीं है जिनके बारे में मैं टेस्ट करूँ और फिर आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो OTC का कोई फायदा बनता नहीं। आप ट्रेड ले सकते हो, ऑफकोर्स मैं मना नहीं कर रहा हूँ, OTC में आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजीज कुछ खास ज्यादा वहां पे वर्क नहीं करती हैं। तो आप अगर ट्रेड लेते हो तो न्यूज इंपैक्ट के बेसिस पे ले सकते हो, प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ले सकते हो। ओके, तो यार ये कुछ सवाल थे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपका जरूर आंसर करूंगा। वीडियो कैसी लगी और आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे डेली अपडेट्स को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यार, मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए एक चीज बता देता हूं कि अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो ना तो अभी ज्वाइन हो जाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलती हैं, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द एंड।